शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा। बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर। यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहे युद्ध के चलते पूरे दुनिया के छात्र वहां फंसे हुए हैं। भारत के भी काफ़ी छात्र वहां फंसे हुए थे। भारत सरकार की मदद से ज़्यादातर छात्रों को वहां से निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के 2 छात्र भी वहां पर थे जो रह गए थे। कुल 5 छात्रों में से 2 छात्र वहां थे। रोमानिया में वह पिछले 3 दिन से भारत सरकार की मदद से रुके हुए थे और अब उन्हें भारत लाया गया। वह खंडवा पहुँचे जिसमें ताहिर पिता मृतजा निवासी रामकृष्णगंज भी अपने घर पहुँचा। परिवार वालों ने उसके घर पहुँचने पर उसका स्वागत किया। स्थानीय पार्षद सुनील जैन ने भी उनका स्वागत किया। सभी ने उसका वेलकम किया और सुनील जैन ने सभी को बधाई दी। साथ ही साथ परिवार वालों ने भारत सरकार और मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया कि भारत सरकार ने उनके बच्चे को घर लाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ताहिर ने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से रोमानिया में उनके साथ व्यवहार हो रहा था और कितना संघर्ष करके वह बॉर्डर तक पहुँचे और बॉर्डर के बाद से वह भारत लाए गए और एक एक बात की जानकारी उन्होंने दी कि उनके साथ यूक्रेन की सेना ने कैसा व्यवहार किया, रशिया की सेना ने कैसा व्यवहार किया और उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा भारत पहुंचने के लिए। जीरो से शुरू कर। नाम मेरा है ताहिर लोखंडवाला। मैं यूक्रेन में ओडिशा में MBBS कर रहा था। मैं 5th ईयर में हूँ। तो ये शुरुआत अभी हुई थी 20 दिन पहले जब थोड़ा रशिया ने बोला था कि हमको डोनेट्स्क और लुहांस्क का रीजन चाहिए, इंडिपेंडेंट करना है। तो उसमें USA ने पहले सबसे पहले एडवाइसरी दी थी कि जो भी मेरे US सिटीजन है वो छोड़ दीजिए। और इंडियन एम्बेसी ने भी उसके 5 दिन पर एडवाइसरी निकाली कि अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, वरना अभी इतनी दिक्कत नहीं है। और मेन दिक्कत तो ये थी, हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि क्लासेस चलेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी लड़ाई नहीं होगी, जो भी लड़ाई होगी वो वेस्टर्न साइड पर होगी और ऐसा सेफ है, हमारी क्लासेस चलेगी, तुम नहीं जा सकते। तो ऐसा हुआ तो हमने फिर टिकट्स करवाई नहीं। फिर एकदम से थोड़ा सा मतलब न्यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो हमने सोचा टिकट करवा लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी अब जो भी बोले हमें टिकट करवा लेनी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। तो हमने टिकट करवाई तो उसके अगले दिन की टिकट हो रही थी 1 लाख रुपए की। तो हमने सोचा एक दिन में 1 लाख रुपए की टिकट तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने 3 दिन बाद की टिकट करवाई। उसमें भी MBBS का यही था, छोड़ सकते हो तो जिसको एसेंशियल नहीं है यूक्रेन में रहना वो छोड़ दो, बाकी जो जिसका मतलब ज़रूरी काम है तो वो रह सकता है। उस वक्त भी यूनिवर्सिटी ने बोला कि वेट करो, 25 तारीख को हम बता देंगे कन्फर्म कि क्लासेस ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। जब भी यूनिवर्सिटी ने कंफर्म नहीं दिया था और हम क्लासेस छोड़ नहीं सकते क्योंकि यूक्रेन में ऐसा है कि अगर आप एक दिन भी छुट्टी मारते हैं तो आपको उसकी क्लासेस वीकेंड पे करवानी पड़ती है, मतलब आप छुट्टी नहीं ले सकते, एक दिन भी आप छुट्टी नहीं मार सकते बिना किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके भी आप छुट्टी नहीं मार सकते, आपको क्लासेस कवर करनी ही पड़ती है। तो 25 तारीख तक हमने रोकने का सोचा और मैंने 27 की टिकट बुक करवा ली थी कि 27 को निकल जाऊँगा। तो 25 को इनका डिसीजन नहीं आया, उसके पहले सुबह शेलिंग हो गई। तो एकदम से शेलिंग हो गई, एयरपोर्ट सब बंद हो गए। फिर यूनिवर्सिटी पर एकदम से बोलती है आप पैनिक मत करो, बंकर्स जो भी घर के आसपास है बंकर्स वहाँ बैठ जाओ। तो फिर हम भी टेंशन में आ गए, मतलब फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब कैसे जाएंगे कैसे करेंगे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। तो उस वक्त हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हम जितना हो सके फूड इकट्ठा कर ले, क्योंकि हमें पता नहीं था कि दो हफ्ता कितना भी हफ्ता हमें बाहर निकलना मिलेगा कि नहीं। तो हमने ये सब इकट्ठा किया, फिर यूनिवर्सिटी बोले कि अब तुम जा सकते हो, बाकी उस वक्त कुछ भी फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। तो फिर इंडियन एम्बेसी की 2 दिन बाद एडवाइसरी आई कि आप वहाँ से इवैक्यूएट होना चालू करिए, आपको हम यूक्रेन में नहीं आ सके। तो उन्होंने 4 जगह बताई थी, एक आप रोमानिया के थ्रू आ सकते हैं, एक पोलैंड के थ्रू आ सकते हैं और एक हंगरी के थ्रू आ सकते हैं और एक इस्माइली था वो थोड़ा वे उस वे एक वो वे था कि आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो हमने फिर सोचना चालू किया कैसे क्या करना है। तो हमने 2 दिन बाद बस करवाई और उस वक्त हालत इतनी ख़राब थी कि बस वालों ने फिर बस तो थी नहीं और जो बस कर रहा था वो कुछ भी भाव कर रहा था। मतलब जैसे हमने 50 हज़ारों की बस करवाई थी वो $7,000 की हुई थी, अराउंड 5 लाख रुपीज़ की। तो हमको वहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए था कि वहाँ से अगर वो बस करवा के हमको यूक्रेन से, वॉर तो यूक्रेन में हो रही थी, रोमानिया जाके तो फ्लाइट करवा सकते थे हम। यूक्रेन गवर्नमेंट ने पूरा बॉर्डर पर संभाला कि बॉर्डर से कैसे करना है, अंदर बच्चों को कैसे लेना है वहाँ संभाला, बाकी हमको ओडिशा से बॉर्डर तक खुद जाना पड़ा जिसमें बहुत रिस्क था। ऐसा बता रहे थे कि अगर रशियन टैंक सामने से आया तो हमें खतरा भी हो सकता है। फिर एडवाइसरी जारी करी गवर्नमेंट ने कि आप फ्लैग लगा दीजिए, आप अपने बस पे फ्लैग लगा दीजिए कि इंडियन बच्चे हैं और वहाँ लिख दीजिए इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमने सब पूरा बस को फ्लैग से कवर किया, ऐसे हम निकले रोमानिया की तरफ। तो ट्रैफिक जाम था 50 किलोमीटर
ट्रैफिक जाम था, तो हमको बीच में ही मतलब अराउंड 40 किलोमीटर्स बिफोर बॉर्डर हमको उतार दिया गया कि बोला यहाँ से अब तुम्हें पैदल जाना है। तो हमने 40 किलोमीटर्स पैदल कवर किया, उसके बाद बॉर्डर पे गए, तो बॉर्डर पे कम से कम 3,000 बच्चे थे वहाँ पे। तो और वहाँ यूक्रेन जो अपनी बॉर्डर पुलिस थी वो बहुत ही गंदा व्यवहार कर रही थी, और ले एक बार में 40 स्टूडेंट्स को ले वो, और उसके बाद बोले कि भाई हम 3 घंटे ब्रेक पे हैं। तो ऐसे 40 लेंगे तो 3,000 बच्चे कैसे जाएंगे, अंदर कैसे जाएंगे? तो एकदम से यही हुआ कि दूसरे बच्चे हैं नाइजीरिया ये सब के, तो उनको उनका जो एम्बेसडर था, उनका जो मतलब बाहर कोई उनका बंदा आया था, उसने बोला कि मेन गेट खोलते हैं। तो उसमें उनने एकदम से गेट खोला, तो फिर जाके एक साथ 50 बच्चे 40 बच्चों को लेना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा प्रोसेस की स्पीड बढ़ी, फिर हम जैसे ही रोमानिया में घुसे वहाँ पे एम्बेसी का सपोर्ट बहुत अच्छा था, वहाँ पे एम्बेसी का एक ऑफिशियल भी आया था और वो हमें खाना बस और शेल्टर तक ले जाने की सुविधा उनने ही फ्री में उपलब्ध करवाई। फिर वहाँ हमें शेल्टर में 3 दिन रखा गया और बोला गया कि जैसे ही अभी थोड़े बॉर्डर पर हालत ख़राब है, तो जैसे ही आपका टर्न आता है आप शेल्टर में सेफ है, तो आप थोड़े दिन यहाँ पर रुकिए जब तक हम बॉर्डर की कंडीशन सेफ ना कर दें। फिर उनने वहाँ से हमें 3 दिन वहाँ रुकाया, 3 दिन खाना पानी सब दिया और सब कुछ अच्छे से उपलब्ध किया कराया गया। उसके बाद हमें वहाँ से वो एयरपोर्ट ले गए जहाँ पे हमें एयरफोर्स का विमान C-17 लेना आया, और फिर वहाँ से हमें दिल्ली ले गए। और दिल्ली में MP गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी सही था, वहाँ पे MP मध्य प्रदेश भवन है, वहाँ का एक ऑफिशियल बंदा आया था हमें लेने, वहाँ से हमें MP भवन हाउस में ले गया, वहाँ खाना खिलाया, 6-7 घंटे का स्टे दिया, और फिर वहाँ से इंदौर तक की फ्लाइट टिकट भी उन्होंने ही करवा के दी। और वो तो बोल रहे थे खंडवा तक भी छोड़ देंगे आपको, ट्रेन करवा रहे सब उनने मतलब प्रोवाइड किया था जो जो हो सकता था उनके बस में, तो ना मैं इंदौर तक की फ्लाइट थी और फिर इंदौर से मैं यहाँ गया। ये जर्नी थी। रशियन सोल्जर्स का किस तरह का व्यवहार था? रशियन सोल्जर्स तो हमें कहीं मिलेंगे हमें उस समय जब पूरा ये चल रहा था युद्ध, बम के धमाके भी गूंज रहे होंगे, आप तक भी आवाज पहुँच रही होगी, तो किस तरह का पैनिक हो रहा था बच्चों में, और आप हमें कुछ छात्राएं भी थी, तो किस तरह संभाला उन्होंने? वो ऐसा हो रहा था कि जो बम गिर रहा था हमारे से 4-5 सिविलियंस भी नहीं फेंक रहे थे, वो ओपन ग्राउंड या जो मिलिट्री के कम्युनिकेशन टावर्स थे वहाँ फेंक रहे थे, उससे उसका झटका आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा घर मतलब से हिल रहा है। तो सायरन बजते थे, जैसे ही उनको पता चलता था कि मिसाइल आने वाली, तो सायरन बजते थे 5 मिनट पहले बजते थे, तो हमें बंकर में भगना पड़ता था, अंडरग्राउंड बंकर्स होते थे उसमें हमें 5 मिनट पहले भगना पड़ता था अगर सायरन बजे। और फिर एक बार मैं बाहर था, मैं बस की टिकट देखने गया था, और फिर एकदम से न्यूज़ आया था कि सेंटर पे रशियन सोल्जर ने मतलब घुस चुके हैं वो, तो फटाफट घर जाओ। तो मैं जैसे ही घर गया उसके बाद ओपन फायरिंग चल रही थी, और ऊपर रशिया के ड्रोन्स भी घूम रहे थे, वो लोग मतलब ऐसे पता कर रहे थे कि कहाँ इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है, प्लेयर्स छूट रही थी, सब छूट रही थी, तो बहुत आवाज़ हो रहा था उस टाइम। तो मतलब उस टाइम कंडीशन इतनी वर्स नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी वर्स हो गई है। अभी मैंने फ्रेंड से बात करी तो बोल रहे हैं कि पूरा जहाज, उनके 2 शिप्स ओडिशा के पोर्ट से दिख रहे हैं, और एक 3 शिप मतलब टोटल आ चुके हैं वहाँ पर। तो अब इनका प्लान आगे देखो, मतलब ओडिशा से तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स खाली हो गए, अभी ज़्यादा खतरा है कीव में और खार्किव में, वहाँ अभी ही बच्चे फंसे हुए हैं। बाकी हमारा तो सही हो गया ओडिशा से। तो ये स्टूडेंट आना नहीं चाहते क्या जो वहाँ पे हैं, या फंस गए हैं? फंस गए हैं वो, उनको ऐसा बोला गया है कि आप बाहर इतना खतरा है कि वो बस में बैठे हैं वहाँ कुछ मतलब वहीं उनका, तो उनको बोले आप सेफ रहिए, जाए वहाँ सेफ रहिए। बाकी अभी पता चला कि मोदी जी ने अपना वो लिया था रशियन गवर्नमेंट से, थोड़ा मुहूर्त लिए 6 घंटे आप इस युद्ध बंद कर दीजिए ताकि हम हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल सकें। तो उस कारण से अब शायद लगता है वो बच्चे पार हो चुके, रशिया बॉर्डर के थ्रू पार हो गए वो। आपके साथ जो बच्चे थे वो किस किस देश के थे, या मतलब पूरे हिंदुस्तान के ही थे कि अन्य देशों के भी थे? मेरे साथ मैं इंडियंस थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे वो सब इंडियंस ही थे, थोड़े बहुत गुजरात के थे, हिमाचल के थे, बाकी अन्य देश के थे वहाँ पे, मोरक्कन्स भी थे, नाइजीरियंस भी थे, और वो लोग भी थे। अच्छा, जब आप बस में जा रहे थे तो तब भी बम धमाके हो रहे होंगे, तो आपको किस तरह से डर लग रहा होगा कि भाई बस पे कोई बम ना आ जाए? या बस पे तो सर ऐसा था कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाए थे, वो यूक्रेन फोर्स थी वहाँ पे, आर्मी थी, तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे, तो वहाँ वो इंश्योर कर रहे थे कि बस मतलब हाईवे एंड जो रेल ट्रैक्स हैं वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन ना हो। बाकी हाँ बस इतना रशियन वहाँ पर चलना। ओके, इंडियन गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स रहा? इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी सही रिस्पॉन्स था, एम्बेसी ने रोमानिया में काफ़ी सही सब फूड प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, एंड फ्लाइट ऑब्वियसली फ्लाइट प्रोवाइड करी, और अपने MP गवर्नमेंट का काफ़ी सही सपोर्ट था। ऐसा कुछ आपके फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट में ही यूनिवर्सिटी के जो दूसरी कंट्री के और बुरे तरीके से फंसे हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? वैसे जो रोमानिया बॉर्डर के पहले वहाँ तो सब बच्चे ही फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना ही मेन है,
जो अपनी एम्बेसी शायद उनके कंट्रोल में नहीं है वो एरिया, तो वो नहीं कर पा रही। अगर वहाँ से बच्चों को वो ईजिली विदाउट मतलब जो वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी हो रही है वो अगर वो सही कर सके तो बच्चे काफ़ी अच्छे से और सही तरीके से, क्योंकि वहाँ पे उनको 3 दिन तक खड़े रहना पड़ रहा है। कौन कर रहा है बदतमीजी उनके साथ? बदतमीजी यूक्रेनियन सोल्जर कर रहे हैं, और वो लोग ऐसे मतलब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मैंने को सुनने में आया है कि तुम्हारा इंडिया हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम तुम्हें सपोर्ट क्यों ना क्यों करें, वो वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। और किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग? वो लोग मतलब ऐसा अपने थोड़े इंडियन से ग्रुप बनता है तो वो ओपन फायर करते हैं एयर में ताकि थोड़ी हलचल मच जाए और दूर हो जाए, और धक्का मार रहे हैं। कोई कोई को तो ऐसा बताया कि गन का बैक वाला हिस्सा ही मारा है, ऐसा सुनने में आया है। मतलब वर्ण ये रंग भेद वाली बातें भी आ रही हैं कि जैसे रंग भेद की भी बातें आ रही है कि वो लोग गोरे हैं और इधर अपने सांवले या गेहूं रंग के होते हैं, उनको कमेंट करते हैं इस तरह। वो अभी जो नाइजीरियन लोग हैं उनको ट्रेन में नहीं बैठने दिया था यूक्रेन ने, बीच में से न्यूज़ आई थी कि तुम लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो वो भी अभी थोड़ा चालू हुआ है। वैसे मैंने 4 साल में रहा हूं, उसमें मैंने आज तक अभी वहाँ पे रेसिज्म फेस नहीं किया, बाकी अभी पता नहीं है, वही कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही उस कारण से थोड़ा ये लोग चढ़ रहे हैं उस हिसाब से। सही। अब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है अभी आउटसोर्सिंग? नहीं, मेरा अभी 1 साल का बच्चा है जो कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम ऑनलाइन करेंगे और इनकेस कुछ होता है तो आपको डिग्री भेज दी जाएगी इंडिया तक, बाकी आपको क्लासेस ऑनलाइन देनी है और एग्ज़ाम इंडिया के भी सेंटर में देखो कैसे होता है वो सब प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ठीक।